पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है और लगातार पटना मेट्रो के द्वारा नई नई परियोजनाओं का शुरुआत किया जा रहा है। बीते दिनों पटना मेट्रो का भूमिगत परियोजना पर काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा इस भूमिगत परियोजना का शुभारंभ किया गया। पटना मेट्रो रेल की भूमिगत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने बीते दिनों मोइनुलहक स्टेडियम से पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तय समय में कार्य को पूरा करें। जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण बचा हुआ है उसे जल्द पूरा करें। सरकार हर संभव सहयोग करेगी, राशि की भी कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पटना मेट्रो रेल निर्माण जल्द पूरा होने से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। भूमि के ऊपर के कार्य के कई बार आकर उन्होंने देखा है और अधिकारियों से इस संबंध में सारी जरूरतें बातें की है। आज इस कार्य के शुभारंभ के अवसर पर 32 फीट गहरे डी वॉल के केज को जमीन के भीतर डाला गया है। इसके साथ ही 1989 करोड़ की लागत वाली इस भूमिगत योजना के कार्य की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से होते हुए मोइनुलहक स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच, गांधी मैदान एवं आकाशवाणी से ये भूमिगत रेल पटना मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत होगी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर एवं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक दलजीत सिंह ने परियोजना के निर्माण कार्य एनालाइनमेंट, इसके प्रारूप, योजना के अवयव एवं कार्य प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही साथ इस परियोजना के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनाते जाइए आप। काम अंडरग्राउंड वाला भी काम शुरू और हम लोगों का लक्ष्य है कि तेजी से इस पर काम, अनिल भैया तो इस पर काम चल रहा है और पूरी बातचीत तो अच्छा लग रहा है ना। पहले भी और जो ओवरग्राउंड चल रहा था उसको भी देख रहे हैं, अंडरग्राउंड देख रहे हैं, नीचे की जगह राजीव जी देखते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे तौर पर राजीव जी नहीं की जगह देख रहा है, नीचे करो, नीचे करो लोग, सब तो कर नहीं रहेंगे, अब सब देख रहे हैं तेजी से ताकि चलते रहे। काम अंडरग्राउंड वाला भी काम शुरू और हम लोगों का लक्ष्य है कि तेजी से इस पर काम, अनिल भैया तो इस पर काम चल रहा है और पूरी बातचीत तो अच्छा लग रहा है ना। पहले भी और जो ओवरग्राउंड चल रहा था उसको भी देख रहे हैं, नीचे की अंडरग्राउंड देख रहे हैं, नीचे की जगह राजीव जी देखते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे तौर पर राजीव जी नहीं की जगह देख रहा है, नीचे करो, नीचे करो लोग, सब तो कर नहीं रहेंगे, अब सब देख रहे हैं तेजी से ताकि चलते रहे। सर सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का मिले जो है अरगढ़ी में हो जाएगा, जदयू का मिले हो जाएगा कह रहे हैं, आपको बता देंगे ललन किसी को कहा से मेट्रो का भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, बड़ा तोहफा बिहार के लिए, कितना बड़ा खुशी की बात है। और जब हम लोग साथ हुए हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोगों का काम में विश्वास है, बिहार की तरक्की कैसे हो, उत्थान कैसे हो और हमारा बिहार राज्य विकसित राज्यों में कैसे आए, हम लोगों का पूरा ध्यान जो है उसी में केंद्रित है। अब जिनको ध्यान भटकाना है वो अपना काम करते रहें, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जैसे मछली का आँख में निशाना लगाना है वैसे ही हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम करेगी, कहीं हमारा ध्यान भटकने वाला नहीं है। और जो ओछी राजनीति करेंगे वो तो करते ही हैं, लेकिन बिहार का उत्थान हो, लोगों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, और हमारा तो संकल्प रहा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव है, आशीर्वाद है, और हम लोग नए लोग हैं, नए पीढ़ी के हैं, मिल करके काम करेंगे, उनका अनुभव भी हम लोगों को मिलता रहेगा और नए जोश के साथ जो जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी ढंग से हम लोग ईमानदारी